जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी मीनू चिड़िया काफी ज्यादा अमीर थी उसका अपना एक बहुत ही अच्छा सा कारोबार था मीनू चिड़िया के घर के बाजू में ही एक छोटे से घर में कालू कौवा रहता था वे कालू कौवा बहुत ज्यादा ही गरीब था अक्सर उसके पास खाने को भी कुछ नहीं होता था और तो और वे कालू कव्वा कोई काम भी नहीं करता था बस इस ही वजह से वे कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान था उसके पास कोई काम धंधा भी नहीं था कालू कव्य के गरीब होने की वजह से जंगल का कोई भी पक्षी उस कालू कव्यवे से बात नहीं करता था और ना ही उस कालू कव्य को अपना दोस्त बनाता था बस वे कालू कौवा इस ही वजह से रोजाना दुखी और परेशान रहता था कालू कौवा रोज रात में सभी पक्षियों के सो जाने के बाद जंगल में अपने लिए दाना ढूंढने के लिए जाता था कभी कभी तो उसे दाना मिल जाता था और कभी दाना नहीं मिलता तो वे उस रात भूखा ही अपने घर में सो जाता था बस वे कालू कौवा रोजाना सुबह ही जंगल में काम ढूंढने के लिए जाता था लेकिन कोई भी पक्षी उसे काम पर नहीं रखता था बस फिर एक दिन वे कालू कौवा अपने घर में बैठा सोच रहा होता है क्यों न मैं मीनू चिड़िया से अपने काम के लिए बात करूं? वो बहुत अच्छी है लेकिन क्या पता वे मीनू चिड़िया मुझसे बात करे भी या नहीं करे क्योंकि वह मीनू चिड़िया तो जंगल में सभी पक्षियों से ज्यादा अमीर है जब सभी पक्षी मुझसे बात नहीं करते हैं तो ये मीनू चिड़िया मुझसे क्यों बात करेगी बस फिर वे कालू कौवा यही सब सोचकर मीनू चिड़िया से बात भी नहीं करता है फिर एक रात वे कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों के सोने का इंतजार कर रहा होता है ताकि वे जंगल में जाकर अपने लिए कुछ दाना ढूंढकर खा सके फिर आधी रात सभी पक्षियों के सो जाने के बाद वे कालू कौवा दाना ढूंढने के लिए अपने घर से बाहर आता है तभी उसके घर के बाहर मीनू चिड़िया भी आ जाती है अरे कालू कौवे भैया क्या हुआ आप थोड़ी परेशान लग रहे हो और आप इतनी रात को कहाँ पर जा रहे हो और नहीं नहीं मीनू चिड़िया मैं कहीं पर बाहर नहीं जा रहा था बस मैं तो यहाँ पर थोड़ी ठंडी हवा खाने आया था नहीं कहूँ कवे के भैया आप झूठ बोल रहे हो मैं रोजाना आपको दिखती हूँ आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो और हर रात ही आप बाहर जंगल में जाते हो और नहीं, नहीं मीनू चिड़िया भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा अच्छा एक बात बताइए कालु कवे भैया आप पूरे जंगल के पक्षियों से बात क्यों नहीं करते हैं और जंगल का कोई पक्षी आपका दोस्त भी नहीं है और मीनू चिड़िया मैं तुम्हें क्या बताऊँ मुझसे पूरे ही जंगल में कोई पक्षी भी बात नहीं करता है और ना ही कोई पक्षी मुझे अपना दोस्त बनाता है पर कालू कव्य भैया मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है जंगल के सभी पक्षी आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मीनू चिड़िया मैं बहुत ज्यादा ही गरीब हूँ और तो और मैं कोई काम भी नहीं करता बस इसी कारण से जंगल का कोई पक्षी मुझसे बात नहीं करता है और तो और ना ही जंगल का कोई पक्षी मुझे अपना दोस्त बनाता है बस इसी कारण से मैं हमेशा दुखी रहता हूँ के भैया आप अपना दिल छोटा मत कीजिए मेरा एक बहुत बड़ा कारोबार है कल आप मेरे साथ काम पर चलिए मैं वहाँ पर आपको रख लूंगी काम पर और वैसे भी मुझे एक काम करने वाले की जरूरत है इसीलिए मैं आपको काम पर रख लूँगी और मीनू चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपने काम की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहता था अच्छा हुआ तुमने मुझे अपने साथ काम पर ले जाने के लिए बोल दिया अब मैं कल सुबह से तुम्हारे साथ जरूर काम पर जाऊँगा अच्छा चलो कल कवे भैया अब बहुत ज्यादा रात हो गई है अब आप भी अपने घर में जाकर आराम करो मैं भी जा रही हूँ क्योंकि अब सुबह तो काम पर भी जाना है अब अगली सुबह से ही मीनू चिड़िया और कालू कौवा दोनों ही एक साथ काम पर जाने लगते हैं बस जंगल के सभी पक्षी मीनू चिड़िया और कालू कौवे को इस तरह काम पर जाता देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं अब वे कालू कौवा और मीनू चिड़िया अपने काम पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर मीनू चिड़िया कालू कौवे को अपने काम पर भी रख लेती है बस अब इसी तरह वे कालू कौवा रोजाना ही मीनू चिड़िया के पास काम पर जाता है और बहुत ही ईमानदारी से दाने कमाता है बस अब कालू कौवे की मेहनत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उस कालू कव्य की हालत भी अब बदलने लगी थी बस उस कालू कव्य की ये बदलती हालत देखकर जंगल के सभी पक्षी आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं अरे पक्षियों अब तो कालू कव्य ने भी बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है देखो तो देखते ही देखते हुए कितना अमीर हो गया है और अब तो उस मीनू चिड़िया से भी उस कालू कव्य की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है हाँ हाँ कबूतर तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैंने देखा है वे दोनों ही एक साथ काम पर जाया करते थे और कभी कभी तो एक साथ खाना भी खा लेते थे बस फिर एक दिन जंगल का कबूतर मीनू चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है अरे मीनू चिड़िया तुमने उस कालू कव्य से दोस्ती क्यों कर ली है और तो और तुमने उसे अपने साथ काम पर भी क्यों लगा लिया है एरिक कबूतर भैया उस कालू कव्य को काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी वह बहुत ज्यादा गरीब था इसीलिए मैंने उसे काम पर लगा लिया था मैंने खुद देखा था जब उस कालू कवे के पास काम नहीं था तो वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था कम से कम मेरे काम देने के बाद अभी कालू कव् खुश तो रहता है अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया बस मैं तो ये बात इसलिए पूछ रहा था कि जंगल का कोई भी पक्षी उस कालू कव्य से बात नहीं करता था और कोई भी उसे अपने साथ काम पर भी नहीं रखता था कबूतर भैया पता नहीं क्यों जंगल के सभी पक्षी उस कालू कव्य से बात नहीं करते हैं मैं जंगल के सभी पक्षियों से बात करूंगी कि वे सब कालू कव्य के साथ ऐसा ना करें बस फिर एक दिन मीनू चिड़िया जंगल में सभी पक्षियों को एक जगह पर बुलाकर उन सब से बात करने लगती है एरे पक्षियों आज मैं आप सब लोगों से यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आई हूँ आप सब पक्षी जंगल में उस कालू कौवे से बात क्यों नहीं करते हो और ना ही कोई जंगल का पक्षी उस कालू कौवे को अपना दोस्त बनाता है मेरी और कालू कौवे की तो अब बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती है सच में वे कालू कौवा बहुत ज्यादा अच्छा है फिर भी आप सब पक्षी उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो मीनू चिड़िया अब हम लोग इस बात का जवाब तुम्हें क्या दे तुम्हें तो पता ही है क्या पहले वे कालू कौवा इतना ज्यादा गरीब था इसीलिए हम सब उससे बात भी नहीं करते थे उसके पास तो अक्सर खाने को भी कुछ नहीं होता था बस इसीलिए हम सब जंगल के पक्षियों को ऐसा लगता था कि उस कानों कौवे से बात करने का कोई फायदा नहीं है अगर हम उससे बात करेंगे तो वो हमें अपनी दुखी बातें ही सुनाएगा। सुनायेगा नहीं नहीं पक्षियों ये तो बहुत ज्यादा ही गलत बात है हमें किसी भी गरीब पक्षी को देखकर उसके साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं करना चाहिए बल्कि उल्टा हमें तो उस गरीब पक्षी की और भी ज्यादा मदद करनी चाहिए ऐसा करने से हमें खुद भी तो कितनी खुशी मिल जाती है हमें गरीब पक्षियों की मदद करनी चाहिए और तो और हमें उन पक्षियों को बहुत ज्यादा खुश भी रखना चाहिए क्योंकि वे पक्षी तो पहले ही अपनी गरीबी की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं अरे हाँ हाँ पक्षियों ये मीनू चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है हम सब जंगल के पक्षी उस कालू कव्य के साथ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार किया करते थे हमें उस कालू कव्य के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था बल्कि हमें तो उस कालू कव्य की मदद करनी चाहिए थी मुझे तो लगता है कि अब हम सब पक्षियों को जाकर उस कालू कव्यव्य से माफ़ी मांगनी चाहिए बस कबूतर की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है हाँ हाँ पक्षियों कबूतर भैया बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं आप सब पक्षियों को भी कालू कव्य भैया से माफ़ी मांग लेनी चाहिए बस फिर अब मीनू चिड़िया और जंगल के सभी पक्षी उस कालू कव्य के घर में आ जाते हैं और अब सभी पक्षी एक एक करके उस कालू कव्य से माफ़ी मांगने लगते हैं अरे कालू कवे तुम हम सब पक्षियों को माफ कर दो हम सब पक्षियों को मीनू चिड़िया ने समझा दिया है इसीलिए तुम हम सब पक्षियों को माफ कर दो हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है बस अब कालू कवे तुम हमारे दोस्त बन जाओ और हमें माफ कर दो पक्षियों की ये बातें सुनकर अब वे कालू कौवा तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और नहीं नहीं पक्षियों आप सबको माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो बहुत अच्छा है अब से मैं आप सब लोगों का दोस्त हूँ बस जब मैं गरीब था जब भी आप सब पक्षी अगर मुझसे इस तरीके से बात करते तब तो मैं और भी ज्यादा खुश हो जाता लेकिन भले ही देर से आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ हाँ हाँ कालू कवे बस ये सब मीनू चिड़िया की वजह से ही हुआ है मीनू चिड़िया ने ही हम सबको समझाया है कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था वैसे मीनू चिड़िया अब आज मुझे तुमसे एक बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है एरी बोलिए बोलिए कालू कब्बे भैया क्या बात है और मीनू चिड़िया सच में तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो तुमने मेरा मेरी गरीबी में बहुत ही ज्यादा साथ दिया है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया आज तुम्हारी वजह से ही जंगल के सभी पक्षी मेरे दोस्त भी बन गए हैं अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है मैं भी आज बहुत ज्यादा खुश हूँ और बस मेरी खुशी की वजह तुम हो तुम्हारी वजह से ही मैं खुश हुआ हूँ मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा अरे नहीं नहीं कालू कवे भैया इसमें आप शुक्रिया क्यों बोल रहे हैं शुक्रिया की कोई बात नहीं है वैसे भी हम सब पक्षियों का फर्ज है कि हम सब पक्षियों को गरीब पक्षियों की मदद करनी चाहिए बस अब ऐसे ही मीनू चिड़िया और वे कालू कौवा तो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और अब तो जंगल के सब पक्षी भी कालू कव्यवे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे बस अब जंगल में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है जंगल के सभी पक्षी एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं तो प्यारे दोस्तों हमें इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें गरीबों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बल्कि हमें तो उनसे दोस्ती करनी चाहिए और उनकी बहुत ज़्यादा मदद करनी चाहिए जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति मानो चिड़े के साथ एक बहुत ही अच्छे से घर में रहती थी मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा दोनों ही बहुत ज्यादा ही ईमानदार थे मीनू चिड़िया और मानो चिड़े पर जंगल के सारे ही पक्षी खूब भरोसा किया करते थे मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा जंगल में अपना एक बहुत ही बढ़िया सा कारोबार किया करते थे मीनू चिड़िया और मानो चिड़े की बहुत ही अच्छी जंगल में समोसों की दुकान थी दोनों ही बहुत ही ईमानदारी से जंगल में समोसे बनाकर बेचा करते थे पूरे जंगल के सभी पक्षियों को मीनू चिड़िया और मानो चिड़े के समोसे बहुत ही ज्यादा पसंद थे जिसके कारण मीनू चिड़िया और मानो चिड़े का कारोबार बहुत ज्यादा ही अच्छा चल रहा था वहीं मीनू चिड़िया और मानो चिड़े की दुकान के बाजू में ही कालू कव्वे और उसकी पत्नी की कुल्फी की दुकान थी कालू कव्वा और उसकी पत्नी प्रिया कव्वी जंगल के पक्षियों को कुल्फियाँ बेचा करते थे लेकिन उन दोनों का ही कारोबार कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था जिसके कारण वे दोनों थोड़े परेशान भी थे और वे दोनों ही मीनू चिड़िया के समोसे के कारोबार से जलते थे कि उसका कारोबार आखिर इतना अच्छा कैसे चल रहा है फिर ऐसे ही एक दिन वे प्रिया कवि अपने पति कालू कव्य को कहने लगती है अरे कालू हम लोग यहाँ पर कितने सालों से अपनी कुल्फी का कारोबार कर रहे हैं आज तक हम लोग अपनी कुल्फियाँ अच्छे से नहीं बेच पाए हैं। और इस मीनू चिड़िया और मानो चिड़े को तो देखो अभी इनको थोड़ा ही वक्त हुआ है यहाँ समोसे बेचते हुए और देखो इनका कारोबार कितना ज्यादा बढ़ गया है ना जाने ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं मुझे तो लगता है कि जंगल के पक्षियों को कुल्फिया पसंद ही नहीं है सभी पक्षियों को समोसे ही पसंद है इसीलिए अपना कारोबार अच्छा करने के लिए मेरे पास एक उपाय है क्यों ना हम दोनों भी मीनू चिड़िया और मानो चिड़े की तरह ही समोसे बेचना शुरू कर दे हम दोनों ही अपने समोसे मीनू चिड़िया और मानो चिड़े से थोड़े सस्ते बेचेंगे जंगल के सभी पक्षी फिर देखना हमारी दुकान से ही समोसे खरीदा करेंगे बस फिर हमारा कारोबार बहुत अच्छा हो जाएगा जैसे ही सभी पक्षियों को पता चलेगा कि हमारे समोसे सस्ते हैं तो सभी पक्षी मीनू चिड़िया की जगह हमसे समोसे खरीद लिया करेंगे मीनू चिड़िया का कारोबार तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा फिर हमारे मजे ही मजे होंगे तुम मेरी बात मान लो कालू अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा कारोबार भी ठीक चलने लगेगा अरे वाह 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 वा, प्रिया कौवे सच में तुम्हारा उपाय तो बहुत ज्यादा ही बढ़िया है लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या भी है मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है हम लोग समोसे कैसे बनाएंगे हम दोनों को तो बिल्कुल भी समोसे बनाने नहीं आते हैं और अगर हम किसी तरह से समोसे बनाकर जंगल में सस्ते बेचेंगे तो हमारा तो बहुत ज्यादा ही नुकसान हो जाएगा अरे नहीं नहीं कहलु कब्बे हम तो समोसे नहीं बनाएंगे वैसे भी हमें समोसे बनाने आते ही कहा है अगर हम जबरदस्ती समोसे बनाने की कोशिश करेंगे तो उनका स्वाद अच्छा नहीं होगा और पक्षी उन्हें नहीं खाएंगे और तो फिर हम कैसे जंगल में सब पक्षियों को समोसे बेचेंगे अरे नहीं नहीं कालू कब्बे मेरे पास इसका भी एक बहुत ज्यादा ही बढ़िया उपाय है तुम तो जानते हो जंगल के बड़े बाजार में एक समोसे की बहुत बड़ी सी दुकान है वहाँ पर वे दुकानदार गंदे से तेल के अंदर समोसे तलता है इसीलिए उसके समोसे बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं हम लोग वहां से समोसे ले आएंगे और यहाँ पर लाकर सस्ते बेचेंगे इस तरह से हमारा नुकसान भी नहीं होगा और सभी पक्षी हमारे पास से समोसे भी खाएंगे अरे वाह वाह वा, वा, प्रिया कौवी सच में यह तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया उपाय है इससे तो सच में हमारा कारोबार बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा हमारे पास दाने ही दाने होंगे अब वे कालू कौवा का वहाँ से उड़ता हुआ समोसे लेने के लिए बड़े बाजार की तरफ चला जाता है बस अब थोड़ी ही देर के बाद वे कालू कौवा वहाँ पर समोसे लेकर आ जाता है और अपनी दुकान से कुल्फी का बोर्ड हटाकर वहाँ पर समोसों का बोर्ड लगा देता है बस अब वे कालू कौवा और प्रिया कौवी अपनी दुकान पर ढेर सारे समोसे रखकर उन्हें बेचने के लिए तैयार कर लेते हैं वहाँ पर थोड़ी ही देर के बाद एक रंगीन पक्षी कालू कौवे की दुकान का बोर्ड पढ़कर उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे कहने लगता है अरे वाह 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 कालू कवे तुमने अपनी कुल्फी की दुकान की जगह पर अब यह समोसे की दुकान खोल ली है वाह वाह समोसों से तो बहुत ज्यादा ही बढ़िया खुशबू आ रही है आप मुझे बताओ कि तुम अपना समोसा कितने दानों के बदले में दे रहे हो क्योंकि तुम्हारे समोसों से बहुत बढ़िया सुगंध आ रही है मुझसे तो खाए बगैर रहा नहीं जाएगा देखो भाई रंगीन पक्षी मैं बिल्कुल ईमानदार सा कौवा हूँ मैं उस मीनू चिड़िया की तरह बेईमान नहीं हूँ जो पक्षियों को पंद्रह दानों के अंदर समोसा दूँ मैं बहुत ज्यादा ईमानदार हूँ इसीलिए मैं सिर्फ दस दानों के अंदर ही पक्षियों को समोसे खिलाया करूंगा। बस फिर कालू कव्य की बात सुनकर रंगीन पक्षी यही सोचता है कि मीनू चिड़िया तो पंद्रह दानों के बदले में समोसे दे रही है और कालू कव्वा तो बहुत ही सस्ता समोसा दे रहा है अरे वाह वाह कालू कव्य तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो तुम मुझे दो समोसे दे दो बस अब वे रंगीन पक्षी जंगल के सभी पक्षियों को एक जगह पर जमा कर कर उन सबसे कहने लगता है आज तक हम लोग जिस मीनू चिड़िया को बहुत ज्यादा ईमानदार समझ के उससे ढेर सारे समोसे खरीदा करते थे आज मुझे उस मीनू चिड़िया की असलियत पता चल गई है वो बहुत ही ज्यादा बेईमान है हमारे ही जंगल में कालू कवे और प्रिया कवी ने बहुत बड़ी समोसे की दुकान खोली है और वे लोग उस मीनू चिड़िया से सस्ते समोसे बेच रहे हैं अरे मैं तो आप सब पक्षियों को भी कहता हूँ के आज से आप सब पक्षी भी कालू कव्य और प्रिया कवि से ही जाकर समोसे खरीदो बस फिर अब जंगल के सभी पक्षी उस रंगीन पक्षी की बात को मान लेते हैं और अब जंगल के सारे ही पक्षी कालू कव्य और प्रिया कवि से ही समोसे खरीदने लगते हैं। बस इसी कारण अब उस मीनू चिड़िया और मानो चिड़े के समोसे का कारोबार बिल्कुल ही खत्म हो जाता है कोई भी पक्षी उनसे समोसा नहीं खरीदता था जिसके कारण मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा अब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। एक दिन मीनू चिड़िया अपने पति मानो चिड़े से कहने लगती है मानो चिड़ी अब हम लोग क्या करेंगे मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है जंगल में जब से वे कालू कौवे और प्रिया कौवे ने समोसे बेचना शुरू किया है जब से हमारी इस दुकान पर तो जंगल का कोई पक्षी भी नहीं आता है हाँ हाँ मीनू तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो उस कालू कवे और प्रिया कव्य की वजह से ही हमारा कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है वे कालू कौवा और प्रिया कवी हम लोगों से सस्ते समोसे बेचते हैं, तभी तो सब पक्षी उनके पास जाकर समोसे खरीदते हैं। बस अब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा ही रोजाना इसी वजह से बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे फिर एक दिन कालू कव्यवे और प्रिया कवे की दुकान पर जंगल के उल्लू वैदजी आते हैं। वे उल्लू वैदजी प्रिया कव्य और कालू कवे से कहने लगते हैं। अरे भाई कालू कौवे जरा मुझे तुम यहाँ पर दो समोसे तो खिलाओ बस फिर जैसे ही वे कालू कौवा उल्लू वैदजी को दो समोसे दे देता है तभी उल्लू वैदजी कहने लगते है और नहीं, नहीं भाई कालू कौवे छोड़ दो मुझे ये समोसा नहीं चाहिए मुझसे ये समोसा नहीं खाया जाएगा इस समोसे को वापस रख लो अरे उल्लू अभी तो आपने मुझसे दो समोसे मांगे हैं और अब आप खुद ही मना कर रहे हैं नहीं नहीं भाई कालू कौ मैं ये समोसे नहीं खाऊंगा ये समोसे तो जंगल के बड़े बाजार में जो गंदे तेल से तले होते हैं वो वाले समोसे हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ इसीलिए मैं इस समोसे को बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा और अच्छा है तुम ये समोसे पक्षियों को भी नहीं बेचो ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है इससे पक्षियों की मृत्यु भी हो सकती है बस वही उस वक्त उस कालू कव्य की दुकान पर कबूतर भी बैठा होता है कबूतर उल्लू वैद जी की बात सुनकर कहने लगता है अरे उल्लू वैद जी क्या सच में ये समोसे इतने खतरनाक हैं? इसे खाने से हम सब पक्षियों की मृत्यु हो सकती है हाँ हाँ कबूतर मैं सच कह रहा हूँ मैं एक डॉक्टर हूँ जो भी पक्षी समोसे को खाएगा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी मैं तो यहाँ पर किसी मीनू चिड़िया की दुकान का नाम सुनकर समोसे खाने आया था मैंने सुना था कि वो मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा ईमानदार है और वे जंगल में साफ सुथरे तेल से समोसे बनाकर बेचती है हाँ हा, ये बराबर में मीनू चिड़िया की दुकान ही तो है आप यहाँ से जाकर समोसे ले लीजिए फिर अब उल्लू जी मीनू चिड़िया की दुकान पर चले जाते हैं और उस मीनू चिड़िया से समोसे ले लेते हैं दूसरी तरफ जंगल में अब वे कबूतर सभी पक्षियों को एक जगह पर जमा करता है और उन सब पक्षियों से कहने लगता है अरे पक्षियों हमने उस मीनू चिड़िया को बहुत ज्यादा गलत समझा है वे मीनू चिड़िया तो साफ सुथरे और अच्छे तेल में समोसे बेचती है मैंने आज कालू कव्य की दुकान पर देखा है उल्लू वैग जी उसकी दुकान पर आए थे और वे कह रहे थे कि कालू कवे की दुकान पर जो समोसे हैं, वो गंदे तेल से तले हुए हैं। उसे खाकर सभी पक्षियों की मृत्यु भी हो सकती है कालू कहवा हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा था और हम मीनू चिड़िया को गलत समझ रहे थे बस फिर वे सभी पक्षी मिलकर यही सोचते हैं कि उन लोगों को मीनू चिड़िया के पास जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए फिर अब सब पक्षी मीनू चिड़िया की दुकान पर आ जाते हैं और सभी पक्षी मीनू चिड़िया से माफ़ी भी मांग लेते हैं अरे मीनू चिड़िया हमें माफ़ कर दो हम सस्ते समोसे के चक्कर में उस कालू कौवे के पास चले गए पर अब हमें सब पता चल चुका है कि वे कालू कौवा अच्छे समोसे नहीं बेच रहा है इसीलिए आज से हम सब पक्षी तुम से ही समोसे खरीदेंगे बस ये बात सुनकर मीनू चिड़िया और मानू चिड़ा अब तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और अब तो उनका कारोबार दोबारा से ठीक चलने लगता है और दूसरी तरफ वे कालू कौवा और प्रिया कौवे का कारोबार अब बिल्कुल ही खत्म हो जाता है तो प्यारे दोस्तों इसीलिए तो कहते हैं कि हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए